हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं अब तक, ये इसका है पार्ट 5 और इसमें हम बात करेंगे गोल्डन पॉइंट के, जो इन सभी बुक में से लिए गए हैं और जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए एसएससी के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी बेसिक जीके होती है और जो आपको पता होनी चाहिए, वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। एग्जामी ये पूछता है हमसे कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो उसका राइट आंसर है स्नूकर। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो ये नाम है, तो ये किसका उत्तराधिकारी था? ये आपका था अली वर्दी खां का। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, और कौन से ज़िले में? लखीमपुर में। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद की बात कर रहा है, संयुक्त सत्र की बात कर रहा है, तो ये कौन बुलाता है? ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो सिंध बोलेगा और कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे बोलेगा सिंधु नदी, तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा, देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सतलज या फिर सतलुज, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हे फिर वो करता है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते समय, तब भी आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं, देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक का जो वित्तीय संगठन है वो कहाँ पर है? ये है आपका अमेरिका का ये वित्तीय संगठन है। अमेरिका का वित्तीय संगठन का नाम बताइए क्या है? उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था एक जनवरी 1949 को, और एक हुआ था 1969 में, वो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पूछ रहा है भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आलू तथा अदरक क्या है? ये एक्चुअली होते हैं तना। क्या? तना। घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? ये होता है विटामिन सी। अब देखिए, यहाँ पे ना विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को बोलते हैं बेरी बेरी। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा वो देगा ए, बी, सी और विटामिन के। देखिए, विटामिन के जो होता है वो केवल होता है आपका खून का थक्का जमाता है, ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब कि ब्लड को बहने से रोकेगा आपका विटामिन के, लेकिन घाव उससे नहीं भरेगा। वो केवल ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, लेकिन जब किसी के स्किन पे चोट लग जाती है, टाके आते हैं, तो एक घाव बन जाता है बहुत ही मेजर, उसको भरने के लिए डॉक्टर जो कहते हैं कि खट्टे फल खाओ, वो ये कहते हैं, या फिर हमको देते हैं दवाई विटामिन सी की। तो दवाई जो होती है विटामिन सी की कोई नहीं बनी है खास अभी, वो कहते हैं कि मैक्सिमम खट्टे फलों का सेवन करो। आपने देखा होगा, आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो आप सबसे पहले मौसमी लेते हो उसके लिए। चलिए, आप मौसमी लेते हैं, एक काम करते हैं, सस्ती भी आती है और विटामिन सी भी क्या होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो घाव को भरने में विटामिन सी, लेकिन खून की क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग जमाने के लिए विटामिन के का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और विटामिन के जो होता है प्रचुर मात्रा में किस पर मिलता है? अब सवाल थोड़ा सा ये भी आता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। विटामिन के मिलता है हमको टमाटर में, इसलिए हम हर सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के का संतुलन बना रहे।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शनिवार का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह है टाइटन। क्या? टाइटन। देखिए आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सौर मंडल कम से कम करके जाना, क्योंकि सौर मंडल से एक ना क्वेश्चन पक्का पूछता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप उसका आंसर लिख लीजिए, बुध और शुक्र, राइट। उसके बाद हमसे बात करता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है बृहस्पति, ठीक है? और जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसका उपग्रह की संख्या भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो इसके उपग्रह की संख्या है 63, ठीक है, याद रखना। अब फिलहाल मैं पूरा सौरमंडल इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं कि चिली की राजधानी क्या है, वो है आपका सेंटियागो। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। केंद्र और राज्यों के मध्य जो पैसों का बंटवारा होता है कि केंद्र को कितना मिले और राज्य को कितना मिले, इसकी सिफारिश कौन करता है? ये होता है आपका वित्त आयोग। कौन? वित्त आयोग। पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण होता है उसमें यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग होता है। और डबल फॉल्ट मतलब दो दो गलती कहाँ पे होती है? ये होती है टेनिस खेल में। डबल फॉल्ट जो शब्द है वो टेनिस खेल से संबंधित है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 1985 को। अब हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। लेकिन अब आपको एग्जाम में योजना आयोग नहीं देगा क्योंकि इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। अब इसका नया नाम हो चुका है नीति आयोग। और नीति की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। बढ़ते हैं आगे। राज्यों में उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है, यूपी, वहां पर जो है विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। संगम योजना का संबंध विकलांगों की सहायता करना है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर बातें आपको जो बोलता हूँ वो काफ़ी यूजफुल होती है एग्जाम के पर्पज से आपके, ठीक है? चाहे वो मोटिवेशनल कोई मेरा बोला गया सेंटेंस हो या फिर इस तरह का। देखिए एग्जाम में डेज भी आते हैं, ये आपको पता होगा अगर आप तैयारी करते हुए, अगर आपको 6 से 7 मंथ हो चुका है तो अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें डेज वो पक्का पूछता है। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप याद कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, वहाँ पे आपको आराम से डेज मिल जाएंगे। और डेज को लेकर के इस चैनल पे एक वीडियो है, अब वो कहाँ पर है मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सर्च मारेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से करिए। कोई बुक होगी आपके पास में जीएस की, उसमें भी पक्का होंगे, वहाँ से याद कर लीजिए। लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर एक क्वेश्चन आपको डैम श्योर अटेंड करके आना है एग्जाम में, सही क्वेश्चन वो भी, तो आप डेज को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए चीन, उड़ान को जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस जो है उसका नाम है जेट एयरवेज। अब देखिए क्वेश्चंस, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था 1949, अब हम देखेंगे 1969। ये था वाणिज्यिक बैंकों का क्या हुआ था, इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पे खुला था, ये हुआ था आपका लखनऊ में। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 25 मार्च को। और गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने करी थी, ये सबको पता है, लेकिन कब करी थी? ये करी थी 1916 को, 1916 में। महाभारत का अन्य नाम क्या है, ये है आपका जय संहिता। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था चंदेल शासकों द्वारा हुआ था इसका निर्माण। और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने करा था। और 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था मेरठ से। आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब हुआ था, ये हुआ था 1909 ईस्वी में। देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सूरज का जो उदय होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और यूपी के 13 जिलों को काट करके एक नई स्टेट बनी थी जिसका नाम था उत्तराखंड।
नाफेड का संबंध किससे है? यह है आपका कृषि विपणन से। किससे? कृषि विपणन से। भारत का सॉलिसिटर जनरल के न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है? वो होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, विधानसभाओं की बात कर रहा है, विधानसभाओं का कार्यकाल पूछ रहा है तो कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्ष। पेंसिल का शीशा जो बना होता है वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। किससे? ग्रेफाइट से। पद जो टी होता है, टी का संबंध किससे है, कौन से खेल से है? तो यह है आपका गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। केंद्रीय खनन संस्थान धनबाद में है। और आयरिया नामक जो डिजीज होती है, रोग होता है, बीमारी होती है, वो किस चीज से संबंधित है? ये है हमारी दांत से। किससे? दांत से। अब आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि दांत काफी पीले पड़ गए, पीले मतलब पायरिया, पीले मतलब पायरिया। तो क्या होता है, ये रोग जो होता है दांत से संबंधित है और शरीर में संपूर्ण रक्त का शोधन जो करता है, जो ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका किडनी। टिटनस एक क्या है? टिटनस एक्चुअली एक बैक्टीरिया का नाम है। क्या? बैक्टीरिया का नाम है टिटनस। अजंता गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ये हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। और आगरा का किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। और मनुष्य के शरीर में अग्न्याशय से इंसुलिन का श्रावण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। और एंड कब हुआ था? 1945 में। बात करें प्रथम विश्व युद्ध के, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में इसका अंत हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था 1945 में, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? जापान में अमेरिका द्वारा गिराए गए बमों के द्वारा इसका अंत हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको भी प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात का कारखाना जमशेदपुर झारखंड में खुला था। और धरती का जो केंद्र है वो किससे बना होता है? वो बना होता है लोहे से। किससे? लोहे से। और सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? यह है आपकी रायपुर। क्या? रायपुर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1600 ईस्वी में। और पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस, मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस, अगेन मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कितनी संख्या है। पुराणों की संख्या टोटल है 18। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। जो सिल्क मार्ग थे उस पर किसका अधिकार था प्राचीन काल में? वो था कुषाणों का। और सिंचाई कर मतलब कि सिंचाई पर भी टैक्स लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? उसका नाम था फिरोज तुगलक। देखिए, जो सिंचाई कर था काफी एक ऐसा कर था कि नदियों के द्वारा जो भी छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी, जो खेतों तक लेके जाया करती थी किसान वगैरह, ठीक है, तो ये एक राजा ऐसा था जिसने बोला कि भाई पानी को केवल सिंपल लोग फ्री में अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये क्या था? सिंचाई करके लाया। उसके बाद ये किसने लगाया? ये लगाया फिरोज तुगलक ने। अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त हुआ। जजिया कर किसने समाप्त करा था? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, वो करा था अकबर ने। कब करा था? 1564 में। और कौन से कर की बात कर रहे हैं हम लोग? जजिया कर समाप्त हुआ। भगवत गीता को अपनी माता किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1772 ईस्वी में हुआ था। अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा है? ये है आपका इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? अब हम बात करते हैं तो वह है आपकी जकार्ता। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। क्योंकि गंगा यमुना हम लोग साथ साथ बोलते हैं, जब हम गंगा का नाम लेते हैं यमुना का नाम हमारे मुंह पर ऑटोमेटिक आ जाता है।
क्यों? क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ। किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये है आम। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करा जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करा जाता है, तो उसका नाम है अवतल लेंस। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है आपको बांग्लादेश और भारत के बीच में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है, यह है 26 मील 385 गज। कितनी, 26 मील 385 गज। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया एसएससी के सभी एग्जामों में, तो इसलिए इसको आप नोट करिएगा और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। चार ऑप्शन देगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है क्या होता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होगा, घटेगा। परमाणु के नाभिक में एक्चुअली क्या क्या मौजूद होते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम तीनों सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा होता है, ये होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन है, उसको याद रखना, भूलना मत, ठीक है। पृथ्वी की जो संरचना होती है, बनावट जो ये बनती है, जन्म लेती है, सबसे अधिक प्रतिशत वाला जो तत्व होता है ये होता है आपका ऑक्सीजन। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ये थे आपके ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। बाकी देखिए ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है जैनियों के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में, तो इससे संबंधित भी एक वीडियो इस चैनल पे और है, आगे मैं नहीं बोलूंगा वरना कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मैं अपने वीडियो को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं है बुक में से देखिए, अगर बुक भी नहीं है तो आपको जहां से भी सर्च करना है करिए, लेकिन इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा गोल्डन पॉइंट है वो है कि रडार का आविष्कारक कौन थे, उसका नाम क्या है। ये दो लोगों ने आविष्कार करा था, पहले का नाम था आपका AH टेलर और सेकेंड का जो नाम था वो था लियो C यंग। तो इन दोनों ने क्या करा, रडार का आविष्कार करा। वर्ल्ड बैंक सामान्यतः क्या है, मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण हमको देता है, मतलब एक अगर ऋण चाहिए होगा, कर्जा चाहिए होगा तो वर्ल्ड बैंक हमको देगा मीडियम और एक लंबे समय के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध संतालों का विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1855 से लेकर के 56 के बीच में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये है आपका वैधिक अधिकार। और देश में आर्थिक आपात जो लगाई जाती है किस आर्टिकल के अंतर्गत लगती है, किस अनुच्छेद के अंदर लगती है, तो यह है आपका अनुच्छेद 360। उष्ण कटिबंधीय घास स्थली को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सवाना। क्या, सवाना। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। माल गुडी डेज पुस्तक के लेखक R K नारायण है। कौन है, R K नारायण। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का संस्थापक कौन था, उसका नाम क्या था, इसका जनक कौन था, फादर कौन था होम्योपैथी चिकित्सा का, उसका नाम है सैम्यूल हैनीमैन। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय डावोस कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है, किसका बना होता है, ये बना होता है जस्ता का। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये करा गया है आपका मोसले के द्वारा। और एक उबले अंडे में कितने कैलोरी होती है, 70 कैलोरी हमको ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, एक बॉइल्ड एग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य करता है। भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है, उसका नाम है आलम आरा। क्या, आलम आरा। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायालय सुल्तान होता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी और महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का क्या बोलते हैं, सुकरात। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, उनका नाम बताइए। आपको चार नाम देगा लेकिन आपको राइट नाम ये याद रखना है, महादेव गोविंद
रानाडे। दस्तक प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया था। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? उसका नाम क्या? उसका नाम था तक्षशिला। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम शासक पूछेगा और हमको राइट आंसर क्या चूज करना है वहां पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए बच्चों, वन लाइनर जी के केवल एक प्रवचन नहीं है कि आपने सुना और वीडियो को क्लोज करा और नई वीडियो को सर्च करा या फिर सो गए या किसी और काम में लग गए, बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया। तो वन लाइनर जी के की पढ़ने की जो ट्रिक है मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सब में बता चुका हूँ, कैसे पढ़ना है, कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं गोल्डन पॉइंट के, तो आप सबके सब देखिए वीडियो, वहाँ पर आपको चल जाएगा पता कि मैं किस बात की ओर आपका इशारा कर रहा हूँ। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी, आप भी समझदार हैं, मेरी बातों को समझिए कि कौन से स्किल्स आपको डेवलप करनी है। इन शॉर्ट आपको केवल यही बोलूँगा, कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कुछ टाइम के लिए उस क्वेश्चंस पे ठहराव करिए। एक लाइन हमने जैसे पढ़ी उसमें हमने हल्का से ठहराव लिया, अब अपने आप से ये पूछना है कि डिपार्टमेंट हमसे किस तरह से क्वेश्चंस यहां से पुट अप करेगा, तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिए। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे पूछेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लैंग्वेज चेंज करेगा और आपको कन्फ्यूज करेगा, और आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली में पहली बार प्रवेश करा उसका नाम बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक। भैया प्रवेश किसने करा, तो ये लैंग्वेज चेंज करता है, बाकी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि उस बुक में से कुछ नहीं आया, उस वीडियो से कुछ नहीं आया। एक्चुअली कमी क्या होती है, कमी होती है हमारे अंदर। कमी किसके अंदर होती है, कमी होती है हमारे अंदर। हम तब ध्यान से नहीं पढ़ते, हम पढ़ते तो केवल हैं, हम स्पीड में सवार होते हैं एक्चुअली। ठीक है, स्पीड में सवार रहोगे, तैयारी होगी स्पीड में, पन्ने आप काफ़ी पलटोगे पर डे आप कई पेज पढ़ डालोगे। सिंपल और सिंपल केवल इतनी बात का ध्यान रखना कि आप एक रफ्तार वाले घोड़े पर तो सवार होंगे लेकिन उसके लगाम आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपके हाथ में आपके एग्ज़ाम की लगाम नहीं है तो क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल आगे, जो होगा वो वक्त बताएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है ग्वाइटर। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या? जीवी मावलंकर। अमलगम में अनिवार्य रूप से क्या शामिल है? ये है आपका पारा। क्या? ये है आपका पारा, जो किस में शामिल है, अमलगम में। सेहत का प्रमुख घटक कौन सा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रैक्टोज। क्या? फ्रैक्टोज। देखिए अगला जो फैक्ट है वो है आपका इग्नाइटेड माइंड्स। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? आपको वो देगा तीन शब्दों में से कोई एक शब्द, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसके राइटर है आपका APJ अब्दुल कलाम। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ की डेट आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर भी मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, इनकी डेथ हुई थी जुलाई में 2015 में, और एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए थोड़ा कष्ट करिए, विकिपीडिया गूगल वगैरह पे आप सर्च करिए और मुझको बताइए। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चंस पर। सरीसृप वर्ग के जंतु शीत रक्तीय होते हैं, कौन से? इनका जो ब्लड होता है किस टाइप का होता है? इनका ब्लड होता है ठंडा, कूल, चिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा क्या है, वो है शाक्य। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी आपकी वातापी। और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप नोट मत करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बट आपको ये नोट नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट याद करना है। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। हरित क्रांति से प्रभावित होने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो उसका नाम है उस फसल का, यह है आपका गेहूं। आगे बात करते हैं साल्ट पीटर की। साल्ट पीटर किसको कहा जाता है, या साल्ट पीटर का अन्य नाम क्या है, या फिर साल्ट पीटर की अन्य संज्ञा क्या है? तो इस टाइप से आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा,
और इस टाइप के शब्दों को यूज़ करके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की पूरा ट्राई करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? पारा, पारा का जो प्रमुख जो अयस्क है वो है आपका सिनेबार। क्या? सिनेबार। ये शायद आप लोगों को पता होगा और इसे नोट मत करना, ठीक है? अगर पता है तो नोट नहीं करना है, जो चीज़ नहीं पता उसको पेन डाउन करना है, इसको राइट डाउन करना है, राइट? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला किस रीज़न से होता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये कि संविधान सभा का चुनाव किस मिशन की योजना के अनुसार हुआ था और कब हुआ था? यहाँ बनते हैं आपके सामने दो क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत हुआ था और कब हुआ था संविधान सभा का चुनाव? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946, और जो योजना का नाम था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या? कैबिनेट मिशन। ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है कालगुर्गी, ये किस चीज के लिए फेमस है? ये है आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? ये तो आपको पहले से पता ही होगा, ये बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, लड्डू क्वेश्चन है, ये शायद आपको आता होगा, तो आता है नोट नहीं करना है, ठीक है? अब आती है बात अगले क्वेश्चन की। भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? वो वर्ष क्या है, वो ईयर क्या है? वो है आपका 1956। अब यहीं से एक सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, कौन सा गठित हुआ था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको और चिपकाता हूँ आपके लिए कमेंट बॉक्स में, कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख कर भेजिएगा कि अभी लेटेस्ट जो हमारा 29वां राज्य बना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, और राइट नाउ एट प्रेजेंट वर्तमान में उसके मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, ये भेजिएगा आप मुझे लिख करके। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चंस है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है, और ये MTS एग्जाम में कई बार पूछा गया था। और रही बात देखिए कि MTS के अलावा ग्रेड डी का एग्जाम था, ये कई बार पूछा गया था कि जो 29th स्टेट है उसका नाम क्या है, वहाँ पर CM का नाम नहीं पूछा था, लेकिन CM का नाम पूछा गया था आपका MTS एग्जाम में। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, जो भी MTS की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था कैंसिल हो गया, दोबारा वो तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की, डेडिकेटेड केवल वो MTS को बना रहे हैं अपना टारगेट, तो इसको याद कर लीजिएगा कंप्लीट, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो आयोग बना था वो कब बना था, और भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहला था, अभी लेटेस्ट कौन सा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि वर्षा की बूंदे जो होती हैं, जो वर्षा की बूंदें जो जमीन पर पड़ती हैं, तो उसका जो शेप होता है वो गोल होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है पृष्ठ तनाव के कारण। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका राइबोसोम में। कहाँ पर? राइबोसोम में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? ये है आपका बड़ोदरा में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, बड़ोदरा में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रेलवे स्टाफ कॉलेज के। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत रत्न जो मिलने लगा लोगों को, उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में। अम्लों का pH मान क्या है? यह है आपका 7। विदेश में पहली बार भारत महोत्सव का आयोजन 1982 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। देखिए मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगा, देखिए डेज को आप स्किप मत करिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेज तो याद करने पड़ेंगे, चाहे रोके करो चाहे हंस के करो, ये आपको करने याद, ठीक है? और फाइनली देखो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कुछ करने की भी और कुछ ना करने की भी, आप डिसाइड करिए आपको कीमत अभी चुकानी है या फिर बाद में, राइट? चलिए बढ़े आगे। मानव शरीर के पाचन का कार्य अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है, और डायनामाइट बनाने में किस चीज का प्रयोग करा जाता है? वो करा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का।
हाइड्रोजन के सम स्थानिकों की संख्या कितनी होती है टोटल? आपको ऑप्शन देगा 1, 2, 3, 4, आपको याद रखना है 3। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1946 ईस्वी में। और मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। वर्ल्ड की विश्व की मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास वार्नियर द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। कब करा था? 18वीं शताब्दी में। किसका? विश्व की मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण हुआ था उसका सबसे पहले जो प्रयास करा था वो करा था वर्नियर ने। ये एक व्यक्ति का नाम है। वर्नियर क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। और कब करा था? 18वीं शताब्दी में। एमू प्रजाति कहाँ की प्रजाति है? एमू प्रजाति जो है वो कहाँ की प्रजाति है? यह है जापान की। और जापान में क्या हुआ था? आपको याद होगा वर्ल्ड वार। किसका इफेक्ट हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और जापान के कौन से दो शहर पे अमेरिका ने परमाणु बम का गिराया था? ठीक है, तो वो थे आपका हिरोशिमा और नागासाकी। अगर आपको ये भी नोट करना है तो ये भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कॉकेसॉइड या श्वेत प्रजाति की गणना विश्व में एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है। ऑटोमोबाइल उद्योग का हृदय क्या है? वो है ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल का हृदय किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। केप काहिरा रेल मार्ग, ये कहाँ पर है वैसे? काहिरा, काहिरा एक्चुअली है मिस्र में, ठीक है, इसको बोलते हैं केप टाउन से मिलाता है। जो केप काहिरा जो रेल मार्ग है वो किसको, किससे ज्वाइन करता है? मिस्र को दक्षिण अफ्रीका से ज्वाइन करता है। भारत में, भारत की जो कंडीशंस है वो दूध के मामलों में कौन सा स्थान है? भारत वर्ल्ड में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। बाकी दूध बहुत महंगा है इंडिया में, वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है भारत में वो होती है दूध की। आगे बात करते हैं। होमो सेपियंस मानव विकास की अंतिम अवस्था है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? यह है जावा द्वीप। और विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मतलब कि मानव के द्वारा बनाई गई जो झील है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिड झील, इसको बोलते हैं। और ये बना है आपका किसमें? बोल्डर बांध में। और ये कहाँ पर है? ये है आपका यूएसए में। तीनों कंडीशंस आपको याद करनी है, यूएसए, बोल्डर बांध, झील का नाम था मील, और ये है आपका मानव निर्मित झील। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? यह है पुणिक। और मेडागास्कर कहाँ पर अवस्थित है? यह हिंद महासागर में। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में अवस्थित है। और अमेजन, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उसका नाम क्या? उसका नाम है मैडिरा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर एवं बंदरगाह है। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। आगे बात करते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? उस जो ऊष्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और घासीराम कोतवाल के लेखक, घासीराम जो है वो एक पुस्तक का नाम है। क्या है? घासीराम कोतवाल एक बुक का नाम है। उसके राइटर कौन है? इसके राइटर है विजय तेंदुलकर। संसद के 3 दशक के राइटर कौन है? इसके राइटर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है आपके अरब सागर में। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है आपके अरब सागर में। अब देखिए क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपको कभी कभी कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अरब सागर ना दिया हो, दिया हो खम्बास की खाड़ी, तो आपको राइट आंसर लगाना है खम्बास की खाड़ी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देगा तो दोनों ही ऑप्शन आपको पेन डाउन करने हैं, राइट डाउन करने हैं, याद करने हैं, और टाइम से उसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए चैनल की प्लेलिस्ट को, वहाँ पे जाइए, इस चैनल को पूरा ढंग से खंगालिए। खंगालिए मतलब इसको ढंग से वॉच करिए, सर्च करिए। ये चैनल अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद उसके बाजू में, उसके बगल में, उसकी साइड में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ही शेयर करना, वरना मत करना। अगर आपका फ्रेंड कोई अगर सीए की तैयारी कर रहा है
वो अकाउंट्स के फील्ड में है या फिर कोई आपका फ्रेंड डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है। उसी को करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत बड़े वाला आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। संगठन है अमेरिका का वित्तीय संगठन का नाम बताइए क्या है? उसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और एक हुआ था 1969 में, वो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पूछ रहा है भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आलू तथा अदरक क्या है? ये एक्चुअली होते हैं तना। क्या? तना। घाव। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं अब तक, ये इसका है पार्ट 5, और इसमें हम बात करेंगे गोल्डन पॉइंट के, जो इन सभी बुक में से लिए गए हैं और जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए एसएससी के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी बेसिक जीके होती है और जो आपको पता होनी चाहिए, वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? एग्जामी ये पूछता है हमसे कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो उसका राइट आंसर है स्नूकर। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। तो जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो ये नाम है, तो ये किसका उत्तराधिकारी था? ये आपका था अलवर्दी खां का। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो गोल्डन पॉइंट है, वो ये है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो सिंध बोलेगा और कभी कभी एग्जाम में आपसे बोलेगा सिंधु नदी। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ये, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमसे पूछेगा, देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज या फिर सतलुज, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हे फिर वो करता है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते समय, तब भी आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं, देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक का जो वित्तीय संगठन है वो कहाँ पर है? ये है आपका अमेरिका का ये वित्तीय संघ। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, और कौन से जिले में? लखीमपुर में। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद की बात कर रहा है, संयुक्त सत्र की बात कर रहा है, तो ये कौन बुलाता है? ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास।